सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बट आप लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले तो अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब है कि वे गुणधर्म, क्या बोल दिया बेटा मैंने, मनीष क्या बोला, वे गुणधर्म। ठीक है मनीष, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही मेरे पास। चलो मैं म्यूट कर लेता हूँ। अच्छा, उसी के साथ में मोनिका अभय सिंह, देखो बेटा अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। यस सर। अच्छा तो बेटा ये बोला मैंने कि वे गुणधर्म, क्या बोल दिया, वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित जो किसमें उपस्थित, विलयन में उपस्थित, तो वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के अच्छा, तो विलय के कणों की संख्या पर जो निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो वे गुणधर्म क्या कहलाते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। अच्छा, नाम से भी आंसर आ रहा है, अणु का मतलब है किसकी संख्या, कणों की संख्या। अच्छा, उसी के साथ में यहाँ से अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब क्या निकल के आया कि वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है ना। तो बेटा थोड़ा और आगे चलता हूँ, तो अपने पास में ये संख्या पर निर्भर करते हैं या अपने पास प्रकृति पर निर्भर करते हैं, संख्या पर, तो ये संख्या पर निर्भर करते हैं न कि उनकी प्रकृति पर। अच्छा, अभी जो कोलिगेटिव है क्या बेटा, कोलिगेटिव, तो कोलिगेटिव एक लेटिन भाषा का शब्द है, किस भाषा का है, लेटिन भाषा का, और इस लेटिन भाषा के शब्द एक तो बना है ये को से और एक बना है लिगेट से, या लिगेर बोल दो चाहे। ठीक है, को का मतलब तो क्या होता है बेटा, एक साथ, को एक का मतलब साथ, एक साथ, एक साथ, और लिगेंड का मतलब क्या होते हैं, आबंधित क्या होते हैं, आबंधित। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि ये बताओ सबसे पहले जो कोलिगेटिव शब्द है वो किस भाषा का है, लेटिन भाषा का। इसमें को का मतलब क्या है बेटा, एक साथ, लिगेट का मतलब क्या है, आबंधित। अभी जो अपने पास में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो चार प्रकार की है, कितने प्रकार की है, चार प्रकार की। ठीक है ना, तो आज अपन एक प्रकार पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार है बेटा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्या नाम दिया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा जो अपने पास में अणुसंख्यक गुणधर्म है वह है क्वथनांक उन्नयन, क्या नाम दे दिया, क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन हो गया यहाँ तक। तीसरा गुणधर्म है बेटा हिमांक अवनमन। ठीक है, और चौथा लास्ट है आपका पराश्रण दाब, कौन सा दाब, पराश्रण दाब।
चौथा है आप लोगों का बेटा परासरण दाब। तो अणु संख्या गुणधर्म कितने हैं? चार। चार कौन कौन से बताए? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। ठीक है, तो जिसमें से अपन आज पहले कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, आता है फिर? यस सर। एक बात और बता देता हूँ, जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो बेटा केवल और केवल कौन से विलयनों पर काम करते हैं? वो तनु विलयन। तनु विलयन पर व्यवहार करते हैं। कौन से विलयन पर? तनु विलयन, ठीक है ना। अच्छा अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अंतिम अनम्यूट होना बेटा। यस सर। अच्छा गुड़िया, आज का टॉपिक है बेटा, क्या पढ़ रहे हो आप? अणु संख्या गुणधर्म। तो अणु संख्या गुणधर्म का मतलब क्या बताया बेटा मैंने? गुणधर्म जिसमें विलयन, जो विलयन के विलयकणों की संख्या के, हाँ, विलयन में उपस्थित किस पर निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर। अच्छा, न कि उसकी प्रकृति पे। कोलिगेट जो शब्द होता है वो अपने पास किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। अच्छा, को का मतलब क्या बताया था? एक साथ। और लिगेट का मतलब क्या बेटा? आबंधित। अच्छा, ये कितने प्रकार के गुणधर्म होते हैं? चार प्रकार के। पहला कौन सा है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा कौन सा है? क्वथनांक उन्नयन। तीसरा कौन सा है? हिमांक अवनमन। और चौथा? परासरण दाब। अच्छा फिलहाल अपन कौन सा पढ़ेंगे? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अच्छा तो मैं यहाँ पर बाकी सभी को इरेज कर लेता हूँ और अपन पढ़ रहे हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना? अच्छा यस सर। हाँ तो मैं इसके ऊपर वापस से लिख लेता हूँ। तो दूसरा बताया था आपको कौन सा? क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन है ना। अगला लिया मैंने पहला जो पॉइंट आज का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्लियर? यस सर। अवनमन का मतलब क्या होता है बेटा? कमी होना या वृद्धि होना? अवनमन का मतलब, हाँ अपन कहते हैं ना भाई, अपन मैं आपको नमन करता हूँ, तो नमन का मतलब मैं आप लोगों के सामने झुक रहा हूँ या फिर ऐंठ रहा हूँ? झुक रहे हो। इसका मतलब है कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है? कमी। कमी, ठीक है ना। तो अवनमन का मतलब है बेटा झुकना, अर्थात दैट मीन्स क्या होना? कमी होना, ठीक है। लेकिन ये अपने पास किस में कमी हो रही है? वाष्प दाब में। लेकिन ये जो वाष्प दाब में कमी होगी वो किसी ने किसी सापेक्ष, किसी ने किसी के रिलेटिव में पाई जाएगी, ठीक है? यस सर। अच्छा अब मैं इस चीज को समझाने के लिए सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ। सबसे पहले जो पॉइंट किया वो क्या किया मैंने वो सुनो। ये मेरे पास में एक बर्तन है, क्या बेटा? बर्तन। अच्छा, इस बर्तन के अंदर मैंने एक द्रव पदार्थ को भर दिया, या मैं ये कह सकता हूँ कि अपने पास में ये कैसा पदार्थ भर दिया बेटा? द्रव पदार्थ, ठीक है यहाँ तक? यस सर। अच्छा अब बेटा नीचे से इस द्रव पदार्थ को क्या दे दिया? ताप दे दिया। जब ताप देंगे तो द्रव पदार्थ से क्या बाहर निकलेगी बेटा? वाष्प। तो सब द्रव पदार्थ से क्या बनेगी? वाष्प, राइट? यस सर। लेकिन क्या किया गुड़िया मैंने, इसके ऊपर यहाँ पर एक ढक्कन लगा दिया। यस सर। अच्छा अब ये बताओ अपने पास में मैंने क्या कर दिया? अब ताप बढ़ाना बंद कर दिया, इसका मतलब मैंने ताप को क्या कर दिया? स्थिर।
अब बताओ बेटा, ताप को जब स्थिर कर दिया तो ये जो द्रव पदार्थ है इससे और वाष्प बनेगी या वाष्प का बनना बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं तो कि स्थिर ताप पर द्रव और कोण वास किस अवस्था में पाए जाएंगे बेटा? शाम साम्य अवस्था में ठीक है, किस कंडीशन में? तो स्थिर ताप पे स्थिर ताप पर द्रव और वाष्प किस अवस्था में मिले? अब साम्य अवस्था में लेकिन ये बताओ, पात्र के ऊपर ढक्कन लगा रखा है या नहीं लगा रखा? लगा रखा है। जब ढक्कन लगा रखा है तो ये बताओ कि ये जो वाष्प है ये वापस से किसकी सतह के ऊपर दाब डालेगी? दर्द की सतह पे दाब द्रव की सतह पर क्या डालेगी बेटा? दाब डालेगी। यहां तक ठीक है? यस सर तो बेटा किसके द्वारा दाब डाला गया? खिड़की वास्प के द्वारा बंद कर दो बेटा एक बार पीछे से। अच्छा, वाष्प के द्वारा किस, और वाष्प के द्वारा किसकी सतह पे बेटा क्या दर्द की सतह पे दाब डाला गया? तो ये दाब क्या कहलाएगा? यस वास्तव। तो वास्तव की मैं परिभाषा पुनः दूं। सर अच्छा, तो स्थिर ताप पर द्रव एवं वाष्प साम्य अवस्था में होते हैं तो वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब उस पदार्थ का उस ताप पर क्या कहलाता है? वास्तव वास्तव। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, ताप जो है वो कांस्टेंट है बदल रहा है? ताप दाब टेम्परेचर दाब कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये सारी की सारी घटना घट रही। क्लियर है यहां तक बात है? तो यस सर हमने क्या कर लिया, एक स्थिर ताप के ऊपर इसके वाष्प दाब को नोट कर लिया। कर लिया? यस सर अच्छा, अब मैं आगे आता हूं, हल्का सा भाषा को पकड़ना बेटा। किस ताप पर? स्थिर ताप पे अच्छा, और मैंने स्थिर ताप पर किसको नोट कर लिया? वास्तव दाब को माना कि यहाँ पर बेटा जल था, ठीक है। अब मेरा जो यस स्थिर ताप पर इस पदार्थ का जो वाष्प दाब आया, वो वाष्प दाब मान लिया जाए कि मैंने एक इमेजिन कर ली, ये 70 आ गया। कितना है बेटा? 70 70 आ गया। तो ये बताओ, ये द्रव पदार्थ का है, इसमें कोई और भी पदार्थ मिला हुआ है या केवल एक ही पदार्थ का है? एक ही पदार्थ एक ही पदार्थ का मतलब मैं फिलहाल किसका मान लूं बेटा, विलायक का मान लूं? यस सर यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर अच्छा, स्थिर ताप पर मैंने विलायक का वाष्प दाब नोट कर लिया। क्लियर? यस सर अब इसी चीज को मैं समझ रहा हूं। देखो, ये आपकी क्लास है, ये आप लोगों की क्या बेटा क्लास क्लास है। इस क्लासरूम में देखो परिस्थिति विपरीत हो रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग इस प्रकार से रो बना करके बैठते थे नहीं बैठते थे? यस सर तो आपके रूम में कितनी रो थी? 3 तीन रो थी। तो ये आप लोग ऐसे व्यवस्थित होते थे बैठते थे, राइट? और यहाँ यस पर सर आपके जो गुरुजन हैं वो स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाते थे, यही बात है ना? यस सर अच्छा, अब बात आ रही है लैंग्वेज पकड़ना बेटा। मान लिया जाए कि आप लोगों की अंदर सभी के सभी बच्चे पढ़ने वाले क्लास में बैठे हुए हैं। सारे बच्चे कैसे बैठे हुए हैं? पढ़ने वाले अच्छा, या मैं कह सकता हूं कि वो बच्चे बैठे हैं जिनकी मैनेजमेंट और उनके बीच की जो ट्यूनिंग है वो बहुत ही अच्छी है। आप सभी बच्चों की विचारधारा बहुत ही सुंदर है। बहुत ही कैसी है? सुंदर तो मतलब पढ़ाई जो होगी वो अच्छी होगी या खराब होगी? अच्छी अच्छी होगी। तो हमने एक समय विशेष के ऊपर आप सभी का टेस्ट लिया। क्या लिया बेटा? टेस्ट
टेस्ट लिया। नु तो आप सभी बच्चों का विचार अच्छा था या खराब था? क्लास अच्छा की यूनिटी है या नहीं है? है, कर एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे कि नहीं कर रहे? तो रहे हैं। बेटा जब टेस्ट होगा तो सभी बच्चे अच्छा स्टैंड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे चल रहा हूं, लैंग्वेज को पकड़ना। अब क्या हुआ, मान लिया जाए इस शुद्ध अवस्था की क्लास में, क्या बोल दिया मैंने, शुद्ध अवस्था की क्लास में ये दो बच्चे और आ गए। कितने बच्चे आए? दो, दो बच्चे आए। लेकिन जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले मालूम है क्या कह रहे हैं मास्टर आ जाओ आके, क्यों बोले भाई? मास्टर आ जाके देखेगा तुम बताओ, सारा बाढ़ किया अन बच्चा माने देखेगा कि ना देखेगा, सर। क्लास डिस्टर्ब होगी या नहीं होगी? होगी अच्छा, तो पढ़ाई में वर्दी होगी, पढ़ाई में थोड़ी बहुत कमी होगी? कमी, कमी होगी, क्योंकि पहले क्लास का माहौल बहुत ही अच्छा था। अच्छा। अब टीचर पढ़ाना शुरू कर दिया, वो बच्चे बैठ गए क्लास में आकर। यस सर। अच्छा, अब थोड़ी देर बाद बेटा फिर से खड़ा होता है एक बच्चा, मालूम है क्या कहते हैं, सर जी केली के लिए गोले पढ़ा रहा सो, ये बोले बेटा। सर जी के लिए गोला पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब नो बताओ, अगर ऐसे वो पर्सन पूछेगा तो फिर से पूरी क्लास उसकी तरफ देखेगी नहीं देखेगी? यस सर। हुआ इसका मतलब डिस्टरबेंस हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, तो जैसे टीचर ने पढ़ाना शुरू किया था, आप लोगों की सबकी कंटिन्यूटी बनी थी और उसने ऐसी लैंग्वेज काम में ली, उसके बाद बताओ फिर से डिस्टरबेंस हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो पढ़ाई में और वृद्धि हुई या और कमी हो गई? अमीन अगर वही बच्चा खड़ा होकर ये पूछता, सर एक बार ये रिपीट करोगे क्या, मेरे समझ में नहीं आया, तो बताओ सब सब देखता है ना देखता है? नहीं कोई इफेक्ट पड़ता क्या? विशेष नहीं पड़ता ना। नहीं सर। अच्छा, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप और हमको सबको क्या कर दिया, डिस्टरबेंस कर दिया, राइट? यस सर। तो इस क्लास के माहौल के अनुसार वो बच्चे हैं या विपरीत प्रकृति के हैं? विपरीत प्रकृति के हाँ, तो बेटा मैंने इन पहले वाले बच्चों को तो मैंने क्या मान लिया, शुद्ध विलायक मान लिया। क्या मान लिया? शुद्ध विलायक, और बाहर से मैंने क्या डाली, अशुद्धि डाली। बाहर से क्या डाली? अशुद्धि, और वो जो बाहर से अशुद्धि डाली वो कौन से पदार्थों की है, हमारे जैसे पदार्थ या अलग प्रकार की है? अलग प्रकार के अवास्पशील। इसका मतलब वाष्पशील है या अवाष्पशील है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है या विद्युत अनपघट्य पदार्थ है? विद्युत अनपघट्य पदार्थ, समझ गए मेरी बात? तो अब मैंने क्या लैंग्वेज काम मिली वो सुनना, कि जब किसी अवाष्पशील या विद्युत अनपघट्य पदार्थ को, कौन से पदार्थ होंगे बेटा, अवाष्पशील या विद्युत अनपघट्य पदार्थ को किस में मिलाया जाता है, शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक में किसको मिलाया जाता है, अवाष्पशील पदार्थों को विलायक, किस में? शुद्ध विलायक में। तो बेटा अब बताओ, जो विलायक को इस विलायक में मिलाया तो क्या बन गया, विलियन, विलयन बन गया। अब बताओ ये जो विलयन बना है बेटा, इस इनके आने के बाद तो आप लोगों की पढ़ाई पहले की तुलना में बढ़ गई या घट गई? घट गई। घट गई। अब यहां पर पढ़ाई से मतलब क्या है, कौन से दाब से है, वास्तव वास दाब से, कौन से दाब से, वास्तव, समझ गए बात? तो यस सर। बताओ शुद्ध विलायक का वास दाब ज्यादा होता है या विलयन का वास दाब ज्यादा होता है, शुद्ध विलायक का विलियन किसकी तुलना में? की तुलना में, अच्छा, यहां तक बात समझ में आई नहीं आई? तो यस सर। इसका मतलब अशुद्धि मिला दी जाती है, तो अशुद्धि मिलाने पर बने विलयन का वास दाब क्या मिलाने पर बेटा, अशुद्धि मिलाने पे बने विलयन का वाष्प दाब हमेशा और हमेशा ज्यादा रहता है कम रहता है, कम रहता है विलायक किससे कम रहता है, से। विलायक से। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गए भाई?
यस सर। अच्छा अब बेटा अगली बात सुनना, ये बताओ कितने बच्चे आए थे अशुद्धि के लिए? दो। दो, और दो की बजाय बेटा अगर पांच आ जाए तो ऐसा कलाकार? बेटा कितना जाए? पांच। हाँ तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, भला जाएगी या बिगड़ जाएगी? बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी, ऐसा मतलब है और वास्तव में क्या होगी? कमी। तो ये वास्तव में कमी किस पर निर्भर करती जा रही है? अवास्तविक पदार्थ। समझ गए नहीं समझे? यस सर। अच्छा तो ये जो कमी है वो किस पर निर्भर कर रही है? अभी बताया आपने कौन से पदार्थों पर? अवास्तविक। लाओ तो मैं इसी चीज को मैं परिभाषा के रूप में लिखता हूँ, ठीक है ना? ये बताओ आपका वाष्पशील विलय था या अवाष्पशील? अवाष्पशील। तो यहाँ पर आया अवाष्पशील विलय के लिए किसका नियम है? राउल्ट का। एक बेटा मैंने वाष्पशील विलय के लिए पढ़ाया था, ध्यान हो तो आपको पढ़ाया था। यस सर। पर आज किसके लिए बता रहा हूं मैं? अवाष्पशील विलय के लिए। अवाष्पशील विलय के, ठीक है? कौन से विलय के लिए? अवाष्पशील विलय के लिए। अब अवाष्पशील विलय के लिए क्या, वो सुनो मेरी बात लव साहब, है ना, कि जब अवाष्पशील विलय को किसको? अवाष्पशील विलय को। तो अवाष्पशील विलय को किसमें मिलाया था बेटा? शुद्ध विलायक में। शुद्ध विलायक में क्या कर दिया? मिला दिया। मिलाया जाता है तो, ठीक है? यस सर। अच्छा अब वास्तव में क्या आती है, वृद्धि या कमी? कमी। क्या के रेस्पेक्ट में कमी आई, शुद्ध विलायक के या विलियन के? विलियन के। हैं? विलायक की तुलना में तो कमी होगी विलियन की। यस सर। यस। तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष किसके सापेक्ष कमी आई बेटा? शुद्ध विलायक के सापेक्ष। किसमें? वाष्प दाब में। तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष वाष्प दाब में आई कमी। तो ये जो कमी आ रही है वो किस पर निर्भर कर रही है, विलय पर या विलायक पर? विलायक पर। विलय बोले तो कौन थे? अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ को मैंने उदाहरण के रूप में किसको काम में लिया था? स्टूडेंट को। हाँ बेकार स्टूडेंट को, ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये जो कमी है वो विलय की मोल बिन के बराबर होती, किसके बराबर होगी कमी? विलय की मोल बिन के। अच्छा ये किसका नियम है? राउल्ट का नियम। कौन से विलय पदार्थों के लिए? अवाष्पशील विलय पदार्थों के लिए। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो शुद्ध विलायक के सापेक्ष, शुद्ध विलायक को बोल दिया पी नोट बोल दिया। यस सर। तो शुद्ध विलायक के सापेक्ष वास्तव में क्या आ गई बेटा? कमी। कमी, तो वास्तव में कमी का मतलब विलायक में से विलयन का घटा देंगे तो कमी मिल जाएगी। यस सर। अच्छा तो ये आई सापेक्ष कमी, तो मैंने वापस क्या लिखा, शुद्ध विलायक के सापेक्ष वास्तव में आई कमी, हो गया? यस सर। किसके बराबर बताई उसने? विलय के मोल बिन के। विलय की मोल का बिन का मतलब ऊपर किसके मोल आएंगे? विलय के। बटे किसके मोल आएंगे? विलयन के। तो ये बटा किसका नियम है? राउल्ट का नियम। कौन से विलय के लिए? अवाष्पशील विलय के लिए। अच्छा एक बेटा मैंने वाष्पशील के लिए और बताया था, अगर ध्यान होता हूँ उसमें ये कहा था कि किसी भी अवयव का कौन सा दाब? आंशिक दाब। किसके समानुपाती बताया था? उसी की मोल बिन के। ये वाष्पशील के लिए था या अवाष्पशील के लिए था? वाष्पशील के लिए। अभी आज मैंने कौन सा बताया? अवाष्पशील के लिए। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। अच्छा मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ना, कि शुद्ध विलायक के सापेक्ष
वास दाब में आई कमी इज इक्वल टू विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है। क्लियर हो गया यहां तक? थोड़ा सा और आगे चलता हूं। साहिल अनम्यूट करना आप। यस सर। अच्छा अब बेटा ये बताओ अपने पास में यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। अच्छा अब सर मोल भिन्न कैसे, अब ये सुनो, मान लिया जाए विलियन आपका कैसा विलियन है बेटा? तनु विलियन। तनु विलियन का मतलब विलय की मात्रा बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम है या ज्यादा है? बहुत ही कम। कम है किसकी तुलना में? विलय की तुलना। तो मैं इस संबंध को ऐसे लिख सकता हूँ पी जीरो माइनस हाँ। अब ये अपने पास स्मॉल एन अपोन, अब बताओ अपने पास जब इसकी मात्रा बहुत ही कम है तो केवल क्या रह जाएगा तनु विलयन के लिए? विलायक। कैपिटल एन विलायक। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। अब ये स्मॉल एन का मतलब किसके मोल है? विलय के मोल। अच्छा अब मैं इसको ऐसे लिख दू पी जीरो माइनस में पी एस अपोन पी जीरो इज इक्वल टू ग्रामों में भार बटे में अणुभार। अणुभार इसके पूरे के बटे में कैपिटल एन का मतलब भी वही आएगा ग्रामों में भार बटे अणुभार। तो फाइनली आपके पास में क्या संबंध आया पी जीरो माइनस में पी एस अपोन पी जीरो इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू अपोन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपोन में कैपिटल डब्लू। कर लोगे? यस सर। तो यहाँ ये अपने पास में आता है फर्स्ट राहुल का नियम अवाष्पशील के लिए। अवाष्पशील के लिए के लिए। अगर आपको ये कहा जाए अवाष्पशील विलय को मिलाइए, मिलाने पर वास दाब में कमी आई, तो बताओ ये ज्ञात करो वो ज्ञात करो तो निकालोगे ना? यस सर। अब इसमें आपको ये बता देता हूँ ये शब्द क्या क्या हैं, ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे अपन यहाँ से। अब पी जीरो या पी नोट, पी नोट का मतलब अपने पास में शुद्ध विलायक का, किसका शुद्ध विलायक का वास दाब है, किसका वास दाब है बेटा? शुद्ध विलय का। और पी एस का मतलब सॉल्यूशन का, बोले तो किसका वास दाब है? विलयन का। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल डब्लू, स्मॉल का मतलब छोटा, विलय का हो गया विलायक का। विलय का। विलय का किसमें भार है बेटा? ग्रामों में। अच्छा उसके बाद में अपने पास में बड़ा डब्लू का मतलब विलय का या विलायक का? विलय का। विलायक का किस में भार है? ग्रामों में। ठीक है भैया। और स्मॉल एम का मतलब है अणुभार है या ग्रामों में भार? अणुभार। किसका? विलय का। विलय का। और उसी के साथ में कैपिटल एम का मतलब विलायक का। विलायक का क्या है बेटा? अणुभार। यहाँ तक कोई दिक्कत आई क्या? नहीं सर। ठीक है तो ये समझ गए पूरा? यस सर। अच्छा अब इससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे क्वेश्चन प्रॉब्लम, ठीक है? यस सर। अच्छा